नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल कुमार फूड रीडिंग शो पे। और मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ एक नॉन वेज डिश है। ये हमारा है फिश, मसाला फ्राई फिश है ये है। इसको हम सर्व करा हमने प्याज एंड खीरे के साथ, तो ये ट्राई करते हैं। ये एक्चुअली स्नैक्स के तौर पे हम खा सकते हैं। तो ये देखिए फिश है, इसको हमने फ्राई करा है, मसाला फ्राई फिश बनाया है। और इसकी वीडियो है कैसे, अगर आप चाहें बनाना तो कैसे बनाना चाहें तो वो वीडियो है, वो भी मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा उसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसे। काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। काफी सॉफ्ट लग रही है फिश अंदर से। और ये जो बनाया है ये ऐसी फिश से बनाया है जिसमें सिर्फ एक सिंगल कांटा होता है बीच में। अदरवाइज जो दूसरी फिशेज होते हैं जिसमें काफी कांटे होते हैं, उसमें अगर आप हाथ बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान से खाना होता है। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है जो नीचे बना हुआ है उसे जरूर प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और टेस्ट है, काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं एज अ स्नैक्स के तौर पे आप। और हाँ, अगर आप बनाना चाहते हैं इस टाइप से मसाला फिश, फ्राइड मसाला फिश एज अ स्नैक्स के तौर पे, तो आप जो जो भी मछली है अगर आप लेके आते हैं तो वो ऐसी मछली लेके आइए जिसमें ज़्यादा कांटे ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा कांटे होंगे तो फिर खाने में उतना टेस्ट नहीं आएगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, और अगर आप इसको लाइक जो ग्रीन चटनी होती है उसके साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी तो है नहीं, बट हाँ आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ग्रीन चटनी अगर आप है तो आप ज़रूर से ट्राई करें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा उसके साथ।
बहुत अच्छा था टेस्ट था इसका। और देखिए मैं सारा खत्म हो चुका है, और हाँ आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जो नीचे बना हुआ है, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है आपके पास सबसे पहले आए। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।